स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल पे। मैं आपके लाया हूँ फिर से एक नया ग्लिच कार डुप्लीकेशन। बट इसमें आपको एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी, ये सोलो ग्लिच नहीं है। फ्रेंड ज़्यादा देर के लिए नहीं, मुश्किल से एक मिनट के लिए फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको शुरू करने के लिए आपको वही चीज़ चाहिए जो पहले भी थी, एक MOC विथ पर्सनल व्हीकल स्टोरेज, साथ में फैसिलिटी जो कि मेरे सामने ही है। ओके, अब वो करना है क्या है, पहले आप अपने MOC के अंदर जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर गए, मैंने इसमें LG रखी हुई है, इससे लास्ट टाइम मैंने फैग्यू करा था। आप चाहे फैग्यू यूज़ कर सकते हैं, LG दोनों चाहे जो आपको करना हो वो यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर बैठिए व्हीकल में और उसको बाहर लेके आ जाइए, फिर दोबारा इसको आप वापस MOC के अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी लास्ट ड्राइव कार जो होगी वो या तो फैगियो या फिर आपकी LG RH8 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप MOC से बाहर आइए और अपनी फैसिलिटी के अंदर चले जाइए। इसके बाद करना है आपको, आप अपनी फैसिलिटी के अंदर जाइए और जाने के बाद आपका जो लेस्टर वाला हाइस्ट का जो है डूम्सडे हाइस्ट वो आपको स्टार्ट करना है। तो चलिए पहले वहाँ चलते हैं। भाई रास्ता भूल गया साथ में, यार कहाँ गए? अच्छा हाँ ये रहा, हाँ ये क्या करें दोस्तों, फसल इतनी बड़ी है कि कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, आप यहाँ आएंगे, ये आपका स्क्रीन सामने आ जाएगी आपके, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन सामने आ जाएगी। अब आपको इसमें से सेटअप स्टार्ट करना है, तो मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। इसको स्टार्ट करने के लिए आप कुछ पैसे देने पड़ेंगे, स्टार्टअप मनी जो होती है वो पे करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, सेटअप एंड प्रिपरेशन। तो फर्स्ट आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप सेटअप में नहीं जा सकते। अगर आपने नहीं किया तो पहले आप वो कर लीजिएगा, उसके बाद फिर ये ग्लिच स्टार्ट कीजिएगा। ओके, मैंने भी स्टार्ट किया है अभी, तो मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसलिए मैं प्रिपरेशन करने के बाद ही मैं आपको आगे का प्रोसेस बता सकता हूँ। तो मुझे उसके लिए मैं उतना हिस्सा काट रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पे कर दिया है पेमेंट उसके लिए, स्टार्टअप के लिए। अब मेरे ये सारे स्किन आपकी आ गई है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन करने के बाद ही होगा, उससे पहले ये नहीं होगा। तो दोस्तों मैं प्रिपरेशन करके आ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका आगे का हिस्सा आपको मैं दिखाऊँगा। तो दोस्तों अब मेरा प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, अब मैं इसका स्टार्टअप जो सेटअप है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सेटअप स्टार्ट करने के बाद आपके पास ये स्टार्टअप सेटअप की जो स्क्रीन है, सेटिंग स्क्रीन, वो आपके सामने आ जाएगी। जब आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ये आ गया स्क्रीन, ये आपकी सेटअप स्क्रीन है। आपको यहाँ पर आके अपना काम रोक देना, अब आपके फ्रेंड का काम स्टार्ट होता है। तो अपने फ्रेंड को अब आप बोलिए कि अपना ऑनलाइन सेशन में जाके जॉब्स में, प्ले जॉब्स के अंदर, रॉकस्टार क्रिएटेड में, मिशंस के अंदर कोई सा भी पर्टिकुलर मिशन ज्वाइन कर लेगा। वैसे तो मोस्टली लोग टाइटन ऑफ द जॉब कर रहे हैं क्योंकि उसमें यही बताया गया है, लेकिन आप ये करने के बजाय कोई अदर जॉब ज्वाइन कर लीजिए, कोई मच बेटर है। क्योंकि आजकल सब लोग वही टाइटन ऑफ द जॉब ही कर रहे हैं, तो मिक्सअप हो जा रहा है, लोग किक कर दे रहे हैं। मैं भी 4 बार किक हुआ हूँ एक जॉब से अपने फ्रेंड की हेल्प करने चक्कर में। तो कोई भी अदर जॉब ज्वाइन कर लीजिए, एज ए होस्ट ज्वाइन कीजिएगा, एज ए मेंबर नहीं। जब वो ज्वाइन कर लेगा तो उसके बाद वो करना क्या है, आप पार्टी में जाइए और पार्टी से उसको ज्वाइन कीजिए। जब उसको ज्वाइन करेंगे पार्टी से जाके, तो आपके पास एक अलर्ट आएगा, ये अलर्ट आएगा। जब आप इस अलर्ट पर आ जाएंगे तो अपने फ्रेंड को बोलिए वो वाला जो उसने जॉब ज्वाइन की है उसको लीव कर देगा, मतलब वो छोड़ देगा यहाँ पर आने के बाद। जब इस अलर्ट पर आएंगे उसके बाद, उससे पहले नहीं, जैसे आप वो करेंगे आपके पास ये आएगा, जैसे जॉब छोड़ दी तो आपका ये अलर्ट आ जाएगा कि आप ये जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उसके बाद आप डायरेक्टली अपने उसी हाई स्टोर में आ जाएंगे। तो इसके बाद आप
ग्लिच कंप्लीट हो चुका है, अब आप जाइए जो भी कार आपको डुप्लीकेट करनी है कस्टम जो रखी हुई थी उस पर जाइए, उसको बैठिए। ग्लिच पता करने का एक तरीका और है कि आपका ग्लिच कंप्लीट हुआ या नहीं। अब ये देखो सर्कल आ रहा है, इसमें मेरा क्रू लोगो बना हुआ था, ये लोगो गायब हो चुका है, अब आप ग्लिच स्क्रीन में हैं। और दूसरा तरीका ये है कि ग्लिच आपका कंप्लीट हुआ या नहीं, ये पता करने का दूसरा तरीका यही है कि अब आप जाएंगे आपकी जो कार थी जिसको आपको कॉपी करना है उस कार में बैठिए। अगर वो कार इस फैसिलिटी के अंदर ड्राइव कर सकते हैं तो आपका ग्लिच हो चुका है। अगर आप नहीं कर रहे अगर तो आप सीधा डायरेक्टली बाहर निकल जाएंगे, तो आपका ग्लिच नहीं हुआ तो आपको ये सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। ओके दोस्तों, तो ये रही मेरी रेट्रो कस्टम जिसको मुझे डुप्लीकेट करनी है। मैं इसे बैठूंगा और ये मैंने चलाया, वाह हो गया ग्लिच कंप्लीट। ठीक है, अब आप इसको लेके जाइए और नीचे उतारिए। वैसे तो नॉर्मली लोग इसके ना ड्राइवर सीट का जो गेट है तोड़ते हैं ताकि इजीली हो जाए, Hey, लेकिन it's your मैं इसका कोई ग्लिच ड्राइवर सीट का गेट नहीं तोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट इसको ऐसे ही लगा दे रहा हूँ। आप चाहे तोड़ना चाहे आप तोड़ सकते हैं, अगर आप ऐसे चला लगाना चाहे आप ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको लगाइए गेट को इस तरह से और पैसेंजर साइड से बाहर आ जाइए। इसके बाद का प्रोसेस, आप अब जो आपको कॉपी करनी है नॉर्मल वाली जो LGR8 है आप वो लेके आएंगे। अगर आप फैग्यू यूज़ कर रहे हैं तो आप फैग्यू लेके आएंगे, लेकिन कार आपको वही लानी है जो आपने ऑलरेडी MOC के अंदर डाली हुई है। अगर आपने फैग्यू डाली है तो आप फैग्यू लेके आएंगे, अगर आपने RH8 डाली है तब आप RH8 ही लेके आएंगे, अदरवाइज आपका ग्लिच काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको ला के आपको अपने पैसेंजर साइड का जो गेट है उसको ब्लॉक कर देना ताकि आप यहाँ से भी बाहर ना निकल पाएँ। बस इसके बाद आप यहाँ खड़े होइए और कोशिश कीजिए आप अपने कार के अंदर बैठिए ट्रायंगल दबा के। अभी ये कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो ये हो नहीं रहा था, थोड़ा टाइम लग गया। तो ओके, अब ये अंदर बैठ रहा है लेकिन बाहर जा रहा है, आगे निकल रहा है। दोबारा कार में बैठिए, थोड़ा पीछे ले आइए, अभी भी वही है, और पीछे ले आइए। और ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। अब वो करना क्या है कि आपको कार में बैठने का बटन और फसल से निकलने का बटन दोनों एक साथ प्रेस करने हैं। जैसे आप एक साथ प्रेस करेंगे आप ये स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपने ये एक टाइम पे नहीं किया तो आपको ये ग्लिच दोबारा पूरा दोबारा करना पड़ेगा। ये लीजिए मेरी कार बाहर आ गई, नंबर प्लेट देखिए इसकी चेंज हो चुकी है, मेरी नेम प्लेट से थी। तो अब इसको आप वापस डालिए MOC के अंदर, और MOC में अगर ये इजीली चली जाती है, कोई पर्सनल व्हीकल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं आता है, तो आपकी ग्लिच कार सेव हो जाएगी। ये लीजिए, अब ये लीजिए आपका ग्लिच पूरा हो चुका है। अब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक काम कीजिए, इसे सेव करने के बाद बाहर आइए, एक नई LG RH8 मंगाइए और वापस डालिए और इस चीज़ को दोबारा कीजिए। अब आपको ये प्रोसेस दोबारा पूरा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से अब नीचे जाएंगे कार दोबारा लेके दोबारा लगाएंगे और दूसरी कार चेंज कर देंगे, वो चीज़ नहीं होगी। आपको I'm on the स्टार्टिंग से clock. What you want? Some एवरीथिंग, wheels? मतलब कि आप यहाँ जाएंगे, आप हाईस्ट रूम में I'll bring जाएंगे, it आप by. हाइस्ट हाइस्ट करेंगे, हाइस्ट करने के बाद आप अपने दोस्त को बोलेंगे, मतलब कि टोटल प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा। वैसे कुछ ग्लिच में ये आपको फर्स्ट पर्सन करने के बाद आप पूरा कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको पूरा प्रोसेस दोबारा ही करना पड़ेगा। वरना अच्छा ट्राई कर लीजिएगा अगर हो सकता है तो, लेकिन मैंने ट्राई किया था तो मेरी कार सीधे बाहर आ गई थी, दोबारा करने का मौका नहीं मिला, फिर मैं दोबारा प्रोसेस पूरा दोबारा ही करना पड़ा, उसके बाद ही ये पूरा हुआ। तो दोस्तों ये था ग्लिच, आप कीजिए इन्जॉय कीजिए, दोबारा मिलते हैं। और इस ग्लिच के फाउंडर हैं DG गेमर, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी वीडियो आती है उनकी। मैंने उसको अपने तरीके से कॉपी किया हिंदी में आप लोगों को बताने के लिए। जल्दी ही एक अगली वीडियो साथ दोबारा मिलेंगे, बने रहिए, देखते रहिए और पैसे बनाते रहिए। बाय बाय।